लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मलकीती एलडीए कॉम्प्लेक्स की इमारत साबिक चीफ सेक्रेटरी जावेद महमूद के दौर में एलडीए से खाली कराई गई और यहां सिविल सेक्रेटरिएट से मुख्तलिफ दफातर मुंतकिल किए गए। एलडीए हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत को मजकूरा इमारत 35 रुपए फी मुरबा फिट के हिसाब से किराया पर दी गई, लेकिन ताहल इस सिलसिला में कोई रकम अदा नहीं की गई। पंजाब हुकूमत ने करोड़ों रुपए की रकम अदा करने के बजाय एलडीए को किराया माफ करने के लिए मरासरा तहरील कर दिया, जिसके जवाब में एलडीए ने कम्प्लेक्स की इमारत का किराया माफ करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि एलडीए एक्ट 1975 की रूह से किराया पर दी गई तरक्याती इदारे की मलकियती किसी भी जगह और इमारत के किराया में छूट देने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एलडीए खालिद परवेज की जानब से महकमा हाउसिंग को भिजवाए गए मरासला में वाजे किया गया है कि कोर्ट स्ट्रीट पर वाकया लाहौर अथॉरिटी की 6 मंजिला इमारत की मालियत अरबों रुपए है, लेकिन महकमा SNGAD ने ताहाल इसका किराया अदा नहीं किया, जिसके बायस तरक्याती इदारे को करोड़ों रुपए नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन खालिद परवेज ने जवाबी मरासला डिप्टी सेक्रेटरी महकमा हाउसिंग को भेज दिया है, जबकि इस हवाले से महकमा SNGAD को भी आगाह कर दिया गया है।